हिमाचल के कांगड़ा के 30 किलोमीटर दूरी पर माता ज्वाला देवी का शक्तिपीठ है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लगातार माँ ज्वाला की ज्योत जलती रहती है और ये ज्योत सदियों से बिना तेल घी और बाती के जलती आ रही है। ये बात अपने आप में ही आश्चर्यजनक तो है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। सालों से सदियों से सभी की आंखों के आगे ये ज्योति बिना तेल घी और बाती के सदियों से पर्वत को चीर कर जलती आ रही हैं। ऐसे में प्रमाण सामने हैं, आंखों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन यही परम सत्य है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के दाह शरीर को लेकर जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता शरीर के 51 हिस्से कर दिए थे। जी हाँ, ये हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आपको बता दें कि इस कथा के पीछे का कारण क्या था। दरअसल जब राजा दक्ष ने अपने यहाँ बहुत बड़ा हवन का आयोजन किया, तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। ऐसे में माता सती हट कर बैठी थी कि वह भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शंकर जी के खिलाफ मना करने के बावजूद भी माता सती अपने पिता के यहाँ हवन में शामिल होने गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि ना तो शिव जी के लिए सिंहासन रखा गया है, ना ही उनके आने पर किसी को खुशी हुई है। साथ ही राजा दक्ष ने अपने पुत्री सती का अपमान किया और उनके आगे शंकर जी को बहुत भला बुरा भी कहा। इस अपमान को देवी सती सह ना सकी। पति का इतना अपमान होते हुए देख उन्होंने उसी हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी और दाह संस्कार करा, जिसके बाद शंकर जी को इतना क्रोध आया कि वे देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से वहाँ डोलने लगे और हाहाकार मचाने लगे। तब सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर उनसे आराधना की, उनसे ये कहा कि इस हाहाकार को रोक दें वरना पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजकर देवी सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए थे और वही हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ज्वाला देवी भी उन्हीं में से एक माननीय शक्तिपीठ है। ज्वाला माता को नगरकोट की माता, ज्योत वाली माता के नाम से जाना जाता है, जहाँ माता सती की जीवा गिरी थी और जिसने ज्वालाओं का रूप ले लिया था। ज्वाला माता के मंदिर में ही एक और चमत्कारी कुंड है, जिसे गौरख डिब्बी के नाम से भी जानते हैं। इस कुंड के पास जाकर आपको ऐसा लगेगा कि उसका पानी खौल रहा है, गर्म है, लेकिन जब आप कुंड के पानी को स्पर्श करेंगे तो आपको पानी ठंडा महसूस होगा। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला माता की ज्योत को बुझाने का प्रयास भी किया था, जिसमें वो विफल रहा। उसने अपनी पूरी सेना भेजकर माता ज्वाला की ज्योत को पानी से बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ज्वाला माता पानी से भी जलती रही। उसके बाद अकबर ने माता की शक्ति का आभास हुआ तो उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और माता को सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन छत्र चढ़ाने के बाद अकबर को ये घमंड हो गया था, जिसके कारण माता रानी ने उस छत्र को एक ऐसी धातु का बना दिया जिसका वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। जब कभी भी आप नगरकोट की माता या ज्वाला देवी के मंदिर जाएंगे तो आपको अकबर के इस छत्र के भी दर्शन होंगे, जिसे देखकर ही ऐसा प्रतीत होगा कि वो किसी भी धातु का नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।